का कॉल आया और वो बोल रहा था कि मैं आ रहा हूँ और मैं उससे बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ, ठीक है, और वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो बोला आ रहा हूँ, मैं तो अभी काम कर रहा था बट अब जाता हूँ थोड़ा उसे पिक कर लेता हूँ, वो शर्माता बहुत है इसलिए। मैं रूम से निकल रहा हूँ और मैं अभी चप्पल थोड़ा पहन लेता हूँ। घर से निकल चुका हूँ उसको पिक करने के लिए। निकल चुका हूँ और मेरे साथ मेरा भाई भी चल रहा है। घर है मेरा और मैं अभी रास्ते में हूँ और मेरा घर जो है वो थोड़ा पार्क टाइप एरिए में है, पूरा पेड़ पौधा हरा भरा ग्रीन ग्रीन आपको लगेगा। थोड़ा बारिश उरिश भी हो रही है, मौसम तो एकदम सुहाना सुहाना है, आप देख सकते हैं एकदम ग्रीन ग्रीन। ये देखो आप आगे आगे वहाँ तक चला गया है और ये पास में स्कूल है इस रास्ते में। वाले लोग बैठे हुए हैं, लगता है बारिश की वजह से यहीं पे भी थोड़ा रुके हुए हैं या फिर लंच उंच कर रहे हैं क्योंकि अभी टाइम का 2 बज रहा है और स्कूल तो अभी लॉकडाउन पेंडेमिक की सिचुएशन में बंद ही है। इसका नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय रघुनंदनपुर। अब फुल्ली ग्रीन ग्रीन है और ये मुर्गी फार्म है, यहाँ पे चिकन का होता है ना वो हैन, उसे पाला जाता है, ठीक है। शायद अभी नहीं है, कुछ दिन में आने वाला है, वो है ना रेड रेड वो पानी पीने वाला है, वो पीता है उसे और उसी में खाने भी उन लोगों को चारा दिया जाता है। तक आ चुका हूँ, अभी तक उसका पता नहीं है, वो बोला था मैं निकल चुका हूँ घर से और मैं बहुत दूर आ गया हूँ, पता नहीं, मैं कॉल करता हूँ। बात किया, वो बोला मैं आ रहा हूँ, अब जस्ट आ गया, यहीं पे समिति है, फैट है जहाँ पे दूध लिया जाता है उसके पास वो आ गया है। बारिश की वजह से पूरा कीचड़ कीचड़ सा हो गया है, पूरा रोड सड़क पूरा कीचड़ कीचड़ सा हो गया। ठाकुर बाड़ी है यहाँ पे, यहाँ तक आ चुका हूँ और वो बोला आ रहे हैं और ये ठाकुर बाड़ी है, यहाँ पे पास में कुआं हुआ है और भी निकल रहा हूँ और आगे जा रहा हूँ इसको पिक करने के लिए। बहुत दिन बाद मिल रहा है तो थोड़ा मुझे कष्ट करना पड़ेगा कि बात ही ऐसा है, मैं एक्साइटेड ही बहुत हूँ तो इसलिए। गांव के आधे रास्ते को क्रॉस कर चुका हूं और अभी तक वो मिला नहीं है, पता नहीं वो कैसे साइकिल को चला रहा है, वो साइकिल से आ रहा है। वो मिलेगा तो मैं और मेरा भाई उसके साइकिल पे बैठ के घर जाएंगे। मेरा गांव है इधर, मैं अभी अब देखो कितना ग्रीन ग्रीन हरा भरा है, फाइनली आ गया है लगता है। मेरा भाई पीछे बैठा हुआ है, मेरा फ्रेंड आ चुका है, हाँ चलो आ चुका है और मेरा भाई पीछे में बैठ गया है और मैं भी इसी के साइकिल पे भी बैठूंगा और घर पे जाऊंगा और बहुत सारा मजा करने वाला हूँ, मैं मस्ती करने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा। बैठ गए हैं और मेरा भाई आगे बैठ गया है और शिवम साइकिल को चला रहा है। चुके हैं और मेरा फ्रेंड आ रहा है। वाव आप भले मेरा दोस्त शिवम अब जा रहा है घर।
फिर शाम हो गया है, 4 बज गई और शिवम के पापा कॉल किए हैं तो इसलिए बोले तुम जाओ, अब लेट हो रहा है, उसको कुछ काम है, छोड़ देता हूँ थोड़े दूर तक। और मैं जब आगे बढ़ा तो और एक पुराना दोस्त मिल गया। आज का ब्लॉग कमेंट बॉक्स में बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।